पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसी एक ते दूजी गली, सो तो तीसी में जाए मिली, सो तो तीसी में जाए मिली। चौपाई नंबर 31, श्री परिक्रमा ग्रंथ से प्रकरण नंबर 3। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, पेड़ जुदे जुदे स्थान पर, एक निश्चित दूरी पर, एक एक पेड़ की सुंदर शोभा नूर से झिल मिलाती, और उनकी लंबी डालियां हैं, सुंदर अति सुंदर सोने शोभा लिए डालियां। छाया घाटी शोभे नीची सारी, पेड़ों की डालियां, उनके पत्ते, उनके फूल फल आपस में एक रूप मिलान करके एकल छाया करते हैं। जो तली शोभा है वेती की, कुंज निकुंज मोहलों की, आड़े खड़े रस्तों की, उन पर एकल छाया। ये शोभा का वर्णन है कुंज निकुंज वन का। कुंज निकुंज वनों में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, और वो किन स्थान पर आए हैं? हम एक कुंज मोहल को देखें, एक निकुंज मोहल को देखें। कुंज मोहलात, निकुंज मोहलात, दोनों ही फूलों की बनी हुई। मंदिर, थम, सभी फूलों की शोभा कुंज निकुंज में, संपूर्ण शोभा फूल पत्ती बेलियों से है। कुंजवन में देखते हैं घेर कर मंदिरों की हार, ये मंदिर भी फूलों के हैं। इन एक मंदिर में चले जाएं तो चारों दीवार, दरवाजे, चौखट, उनमें आई जोग बाई, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, बाजा, तो सब फूलों के। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, माने चौरस हवेली की तरह, एक थम की हार दो गली। मध्य गली में बगीचे की शोभा, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य विशाल चह बच्चे की शोभा, कुंड की शोभा कहें, चह बच्चे की शोभा कहें, उनको घेर कर भी बगीचे। भूम दर भूम दो भूमे, और ये कुंड पहली भूमि में ही ढप गया है। लेकिन निकुंज में हम देखेंगे शोभा समान है, घेर कर मंदिरों की हार, एक थम की हार दो गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा और कुंड। यहाँ पर भूम दर भूम दो भूम की ये मंदिर, और भीतरी थम की हार तक छाया हुई है। मध्य गली और चबूतरा खुली शोभा लिए हैं। अब हम देखते हैं इन कुंज और निकुंज से चारों दिशाओं में और चारों कोनों में रास्ते निकले। अब इन एक रास्ते की शोभा देखें तो ठीक मध्य नहर की शोभा, नहर के दोनों ओर पाल, पाल के भी तीन हिस्से हो जाते हैं, ठीक मध्य फूलों की दो भूम के मंदिर, दो भूम तीसरी चांदनी के, और दाएं बाएं रोसों की शोभा। तो ये जो आड़े खड़े रास्ते आते हैं, इन रास्तों के आने से सुंदर चौक बने हैं। ये देखिए सुंदर चौक, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से कुंज हो निकुंज हो, सबसे रास्ते और इन रस्तों के कटने से चौक बने हैं। इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, दो दो भौम के अंतर पर, और दो भौम तीसरी चांदनी के। तो उन शोभा का वर्णन हो रहा है कि पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। ये जो पेड़ आए हैं, एक निश्चित दूरी पर, दूरी बन, इनकी लंबी लंबी डालियां, और इनका जब आपस में मिलान होता है तो इनके सुंदर नूरी छत्री मंडल के तले संपूर्ण शोभा। निकसी एक थे दूजी गली, सो तो तीसी में जाए मिली। ये जो नूरी वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों में गलियां, जैसे ये एक गली
ये गली दूसरी गली से मिलती हुई और दूसरी गली तीसरी से मिलती हुई, ऐसे अनेकानेक गलियां इन वनों में। ये देखिए, यूं आड़ी गलियां भी हैं, यूं सीधी गलियां भी हैं, तिरछी गलियां भी हैं और टेढ़ी गलियों की भी शोभा होगी। इस तरह से निश्री एक से दूजी गली, एक गली से दूसरी गली निकल रही है, सो तो तीसरी में जाय मिली, और वो तीसरी नूर से लबरेज गली में तली सुंदर रेती, कोमल अति कोमल रेती, वृक्षों की शोभा, ऊपर वृक्षों का एकल चंद्रमा, अति सुंदर शोभा इन गलियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चौपाई नंबर 32। कई आवत बीच आड़ियां, कई सीढ़ियां कई टेढ़ियां, वन गलियों में बराबर, ना कहूँ अधिक ना छेद। तो इस तरह से कोई गली आड़ी है, कोई सीधी है, कोई टेढ़ी है, और सभी गलियों पर वन की अपरंपार बराबर शोभा है। वृक्षों की शोभा, वृक्ष के एक एक तने की शोभा, उनमें आए द्वारों की शोभा, उन तनों में बेशुमार चित्रामन की शोभा, लंबी लंबी डालियां, आपस में मिलान, एकल छत्री मंडल। उस छत्री मंडल कैसा है? एकल छाया। ऐसा नहीं है कि कहीं गहरा है और कहीं छत्री मंडल में छेद है। वन गलियों में बराबर, ना कहूं अधिक ना छीतर। शोभा समझने के वास्ते इन पिक्चर्स को देखिए। जुदे जुदे वृक्ष, उनकी लंबी डालियां और आपस में मिलान, एकल छत्री मंडल। जो तली शोभा है उनके ऊपर एकल छाया, वनों की शीतल छाया। ये देखिए, और इन वृक्षों के मध्य नूरी रास्ते बनते हुए, कोई सीधा कोई आड़ा कोई तिरछा। जो नीचे जमीन है वो भी जगमगाती हुई, और वनों का शीतल चंद्रमा, उनकी भी जगमगाट। तो इस तरह से चौपाई नंबर 32 का विस्तार, कि कई आवत बीच आड़ियां, कई सीढ़ियां कई टेढ़ियां, वन गलियों में बराबर, ना कहूं अधिक ना छेद। आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 33 में। ऊपर ढापियां सारी सनंद, शोभा बनी जो दूरी बन, तले भूम नजर आवे जेती, उज्जल कहाँ कहूं जो सुपेती। वृक्षों के एकल छत्री मंडल में जो कुंज निकुंज की संपूर्ण शोभा है, जो पाई है उन्हें ढांप दिया है, कुंज मोहल्लों को, इन रास्तों को, नहरों को, नहरों पे भी छत्री मंडल आता हुआ, वनों की पहली भूमि में ही, दो भूमि तीसरी चांदनी के वन है, नहरें पहली भूमि में ही ढपती हुई। ये रास्ते, ये चौक, इनके ऊपर एकल छाया होती हुई, और निकुंज माहौल में भी बारीहार मंदिर और भीती थंबों तक एकल छाया। तो ऊपर ढापियां सारी सनन, यानी सारी चौक पाई, शोभा बनी जो दोरी बन, कुंज निकुंज वनों की जो दोरी बन शोभाई है। एक कुंज माहौल, निकुंज माहौल, कुंज माहौल, उनके रास्ते, नहरे, नहरों के दोनों ओर आए मंदिर, इन चौकों में आए वृक्ष, तली रीति, इन सब के ऊपर एकल छाया। तले भूम नजर आवे जेती, उज्जल कहाँ कहूँ जोत सपेती। अब इन वृक्षों की छाया तले जो भूमि नजर आती है, रीति नजर आती है, उनकी उज्जवलता का, उनकी सफेद ज्योति का वर्णन किन जुबान से हूँ। अति सुंदर रीति, नगों सी झिल मिलाती, रीति का एक एक कण आत्म स्वरूप, उनकी उज्जवलता सफेदी का वर्णन कैसे हो। तो इस तरह से चौपाई नंबर 33 का विस्तार।
ऊपर ढापियां सारी सनन, शोभा बनी जो दोरी बन। तले भूम नजर आवे जीती, उज्जवल कहाँ कहूँ जोत सुपेती, उज्जवल कहाँ कहूँ जोत सुपेती। इस तरह से इन तीन चौपाइयों के माध्यम से 31, 32, 33 शिवरा जी हमें शोभा दिखला रहे हैं। कुंज निकुंज वनों में उन आड़े खड़े रस्तों के दरमियान जो चौक बने हैं, उन चौक में आए बड़ो वन की शोभा, उन बड़ो वन के एक एक वृक्ष की शोभा, उनके तनों की शोभा, उनका एकल छत्री मंडल, रंगों नगों से झिल मिलाता सुगंधित, उनकी शोभा का वर्णन। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी।